की वीडियो में आपका स्वागत है और फिर से आ चुके वेरी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, चैट जीपीटी वर्सेस गूगल। एज कॉमनली ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो हमने सोचा इस कंटेंट पे वीडियो तो बहुत जरूरी है, चैट जीपीटी वर्सेस गूगल। गूगल को तो हम सभी जानते हैं, ये एक सर्च इंजन से लेकर ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक हर चीज के लिए हमारा गो टू प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड मॉडल है जो आपके सवालों के जवाब देने के ट्रेंड है। ये गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसा डिजिटल असिस्टेंट से काफ़ी अलग है। गूगल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। गूगल हमें इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स देता है और हर चीज़ के इंफॉर्मेशन अवेलेबल करता है। गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं जैसे गूगल शीट, डॉक्स, फाइल्स, और जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। ये टूल्स आपके वर्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और काम को और ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बना देते हैं। गूगल में आप आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप कैलेंडर शेड्यूल बना सकते हैं, मैप से रास्ते निकाल सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। चैट जीपीटी काफ़ी एडवांस और उसकी एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी हाई है। अगर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो गूगल गो टू ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का और उसका आंसर चाहते हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, कौन से प्लेटफॉर्म आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। गूगल की चीज होगी। गूगल के टूल्स और फीचर्स आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और काम को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बना देते हैं। चैट जीपीटी तो बस एक लैंग्वेज मॉडल है और किसी भी स्पेसिफिक टूल को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो चैट जीपीटी काफ़ी एडवांस्ड है। चैट जीपीटी के लेवल एक स्पेसिफिक कमांड या फ्रेज समझ नहीं आता, बल्कि आप सिंपल लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी आपको उसका आंसर देगा। चैट जीपीटी केवल इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, बल्कि आप इसका यूज कर सकते हैं हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच जैसे और भी अदर लैंग्वेजेस के सवाल पूछने के लिए। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जहाँ लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो चैट जीपीटी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट है और आपको कुछ नए टॉपिक्स की समझ चाहिए तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन और अपनी प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो गूगल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक रिसर्चर हैं और आपको एडवांस लेवल नॉलेज चाहिए तो चैट जीपीटी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आखिर में हम बात करते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी दोनों ही काफ़ी यूनिक है और वैल्यूएबल है अपने अपने तरीके से। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और आपको इन दोनों में से काम के लिए जो बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। गूगल आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जबकि चैट जीपीटी आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेस को एनहांस करता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म आपके काम के हैं और हेल्पफुल हो सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा बेटर है ये आपके काम के नेचर और रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म काफ़ी एडवांस और बेनिफिशियल है और आपको इन दोनों में से काम के लिए जो बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने गूगल और चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में बात की है। दोनों ही प्लेटफॉर्म अपने अपने लिए बहुत ही वैल्यूएबल और यूनिक है और आपको इन दोनों में से अपने काम के लिए जो बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट।